मर्जी स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी से किसी ने यही प्रश्न किया, एक साधक ने, जीवन मुक्त के का व्यवहार कैसे होता है महर्षि? तो उन्होंने उत्तर दिया, जैसे कुम्हार एक बार चक्की को चलाकर छोड़ देता है फिर चक्का स्वतः चलता रहता है, ऐसे ही पूर्ण संस्कारों के वेग से जीवन मुक्त का शरीर चलता रहता है, उसका व्यवहार होता रहता है। तात्पर्य है कि उसके द्वारा वैसा ही व्यवहार होता है जैसा पहले होता था, परंतु ज्ञान होने पर उसमें निर्लिप्तता आती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य लोग जैसे संसार को नित्य मानते हुए व्यवहार करते हैं, ऐसे ही तत्व ज्ञानी के द्वारा संसार को अनित्य मानते हुए व्यवहार होता है। उसके इस अनुभव में अंतःकरण स्थित संपूर्ण संसार का सर्वथा अभाव होता है। आगे, जीवन मुक्त का व्यवहार तीन कारणों से होता है, प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार और सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार। यथा इंजन बंद हो और गाड़ी चलती रहे, ढलान में जैसे आप इंजन बंद कर दो और गाड़ी को फ्री कर दो, तो ना पेट्रोल खर्चा होगा ना इंजन चल रहा है पर गाड़ी चल रही है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष का व्यवहार होता है। इंजन बंद है और गाड़ी फ्री कर दी गई है, कर्ता नहीं बचा है, और गुण के अनुसार जैसे बताया कि स्वभाव की रचना। अब जैसे किसी को अंग्रेजी नहीं आती और वो सिद्ध पुरुष हुआ है, बोले सिद्ध पुरुष हो तो अंग्रेजी बोलो, नहीं बोल पाएगा। सिद्ध पुरुष हो तो उड़िया भाषा बोलो, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसकी सिद्धा अवस्था हिंदी भाषा से स्वभाव होती है, उसमें निर्लिप्तता होती है। साधारण पुरुष में कर्ता भाव होता है, उसमें कर्तत्व अभिमान। इंजन ही बंद है, पूरा सिस्टम बंद है। बुद्धि निश्चय करना, मन का संकल्प विकल्प करना, चित्त का चिंतन करना और अहंकार की क्रिया से ये इंजन ही बंद है। जैसे घड़ी से लटा दो तो मिनट की मिनट की सेकंड की सेकंड के घंटे में सुई है, एक कदम नहीं चलेगी ना। ऐसे ही अंतःकरण धर्म ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा में हो, पर उसका व्यवहार। अब जैसे जिसका अभ्यास रहा गाली देने का, तो सिद्ध पुरुष होने पर भी वो गाली बकेगा, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्या सिद्ध पुरुष गाली बक रहा है। अगर उसका देहाती भाषा में तो अरे मोरे भाई ऐसे भाषा संबोधन करके देहाती भाषा में, पर उषित में इसमें प्रारब्ध से प्राप्त परिस्थिति के अनुसार शरीर की रचना प्रारब्ध से हुई है, प्रारब्ध का भोक्ता नहीं बचा है वहां कोई, पर शरीर प्रारब्ध से रचा, जिस समय शरीर रचा गया था उस समय वो सिद्ध नहीं था, समझना। शरीर प्राप्त होने के बाद सिद्ध हुआ है, तो शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक की रचना प्रारब्ध से हो चुकी है कि 20 वर्ष की अवस्था में ये होगा, 28 वर्ष में ये होगा, 40 वर्ष में ये होगा। अब उस महापुरुष के शरीर में बड़े बड़े जैसे रोग प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश पर वो निर्लिप्त है, लिप्त और निर्लिप्त में पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा क्यों? क्योंकि पहले तो उदासीन रहते थे, अब तो और प्रसन्नता आ गई क्योंकि प्रारब्ध क्षय हो रहा है और सीधे भगवत आश्रय, भगवत आसक्ति प्रबल है भक्त की और ज्ञानी की स्वरूप में स्थित। बिल्कुल जैसे घर में आग लगी तो नीचे भूधरा से गुफा में अंदर घुस करके वो बाहर निकल गया। अग्नेयस्त्र न वरुणास्त्र न वायवास्त्र, इन दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो। किसका वर्णन हो रहा है? भगवान का नहीं, अपने स्वरूप का वर्णन हो रहा है, अपने स्वरूप का वर्णन, किसी और का वर्णन नहीं हो रहा। वो उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, पर उसकी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे ढलान में इंजन बंद करके फ्री छोड़ दो तो चली चली जाए। ऐसे संकल्प रहित, कर्तत्व भाव रहित, क्योंकि जब जब फ्री छोड़ दी गई ये गाड़ी, इंजन बंद, संकल्प विकल्प खत्म, कोई भी क्रिया उसके संकल्प से नहीं हो रही, स्वाभाविक हो रही। अब उस महापुरुष की स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसा स्वर्गादि विषयन्तु गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं, वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा या एकांत में बैठा कोई फर्क नहीं। वाक्य का और थोड़ा सा विस्तार कीजिए मर्जी। मर्जी, सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार उनका व्यवहार। हाँ, जैसे दर्पण है और आप सामने गए तो आपको चेहरा वैसे ही दिखाई देगा ना, तो महापुरुष दर्पण की भांति है। अब आपका व्यवहार जैसा है, मान लो एक दैन्यता पूर्वक आते हैं तो उनसे उसका वैसा व्यवहार रहेगा, और एक दुष्टता पूर्वक आते हैं तो उनसे व्यवहार वैसा रहेगा। अब उसे कह दे कि इनके पास समता नहीं, अगर समता होती तो व्यवहार ऐसा करते, ऐसा नहीं। पंडिता समदर्शिना वर्तिना नहीं है, समदर्शिना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, बर्ताव नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर वो दंड विधान भी करता नजर आएगा, लेकिन करता है नहीं, बड़ा विचित्र स्वरूप है। उड़िया बाबा जी महाराज ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष है, एक शिष्य के द्वारा अपराध हुआ, कोई बुलाया और कहा आपके द्वारा अपराध हुआ, बहुत निजंग सेवी थे। बोले जी महाराज जी गलती हो गई,
बोले इसका दंड विधान है कि 3 वर्ष हमारा चेहरा नहीं देखोगे, और जबकि अंग से भी थे, और उनके लिए तो मानो प्राण निकल गए जब बाबा 3 वर्ष हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तो गंगा किनारे कुटिया बनाकर अलग रहते रोते रहते थे। 3 वर्ष बाद जब आए तो बहुत रोए बाबा के चरणों में पड़ के। तो बाबा ने कहा जो 3 जन्म में भी स्थिति नहीं आती वो 3 वर्ष में आ गई है ना, बाबा ने ऐसा दंड विधान कर दिया है। तो बाबा के पास हुआ है और उनका बहुत कठोर तप कर रहे हैं, बहुत कष्ट सह रहे हैं, बाबा ने एक शब्द भी नहीं सुना, बहुत ही निरपेक्ष होकर के उनसे कहा कि आप इस विषय में कोई संभाषण नहीं करेंगे। अब इतने बड़े महापुरुष का व्यवहार तो आपको लगेगा बड़ा कठोर। दूसरा, उस समय मलेरिया बुखार बहुत चल रहा था, तो मलेरिया की जो दवा होती थी वो बहुत गर्म होती थी, उसका हमें नाम नहीं याद आता, क्यों आए हाँ ऐसे आए ऐसे हमें, तो वो कई साधकों को संतों को दी गई तो बहुत गर्मी सता रही। तो बाबा के पास 100 रुपया किसी ने चढ़ाया तो तकिया के नीचे रख लिया। अब आप क्या अनुमान लगाएंगे ब्रह्मबोध महापुरुष का। तीसरा, एक धनीमानी पुरुष आया और आश्रम की निर्माण सेवा है तो कुछ भेंट दी। जब वो चला तो बाबा उनके पीछे गेट तक छोड़ने गए, तो सब लोगों ने कहा कि जब लौट के आया कि बाबा ये लीला हमको समझ में नहीं आई, बड़े बड़ों को आप फटकार देते हो, सेठ के पीछे पीछे तुम क्यों गए, सेठ के पीछे पीछे क्यों गए बाबा, अच्छा नहीं लगा हम लोगों को कि आप पीछे पीछे गए। बोले अच्छा नहीं लगा, उस समय रोक देते तो हम रुक जाते, शरीर चल पड़ा तो पीछे चल पड़ा। अब भाई उसने सेवा की थी उसके पीछे, अब आप क्या अनुमान लगाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ, अब जब रोज मिलता ना पड़ोसी तो सोचता है मेरे मर जाओगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़ा प्रसन्न रहने लगा, सब क्रोध चला गया। जैसे जैसे 6 महीना नजदीक आते गए उसका सारा द्वेष मिट चुका था। और बाबा से कहा जब 6 महीना हो गए बाबा मरा नहीं, बोले हम उसके मरने की बात थोड़ी कह रहे, तुम्हारे क्रोध के तुम्हारे द्वेष के मरने की बात कह रहे। तो अब कह दो बाबा झूठे। महापुरुषों का जो पावन चरित्र है वो कोई महापुरुष ही समझ सकता है, वो संकल्प विकल्प करता नहीं है। जैसे दर्पण सामने आप टिक्की लगा लो तो वैसे चेहरा दिखाई देगा, वैसे ही महापुरुष आपको भाव करते नजर आएंगे जैसा आपका व्यवहार है। नाटक करते हैं, जैसे माता पिता अपने बालक पर क्रोध करते हैं तो केवल उसका हित करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए नहीं, परंतु जीवन मुक्त को ऐसा नाटक भी करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा ऐसा होता है। जैसे वंशी में वायु भरो तो स्वर बदलते हैं, वंशी स्वयं कुछ नहीं कर रहे, उसमें वायु भरकर जैसे स्वर बजाए जाते ऐसे ही महापुरुष है। आपका जैसा स्वभाव, आप जैसे आचरण से आए वैसे उपेरी, तो बिल्कुल यंत्रवत कोई करता अंदर, अब कैसे वो समझेगा कि इनको क्रोध क्यों आ गया। और दूसरी, स्वामी चूंकि गंगा किनारे भ्रमण किए तो महापुरुष जी महाराज ब्रह्मभूत महापुरुष जिनको शरीर शुद्धि भी नहीं रहती थी, जैसे कभी कभी दिगंबर ही ऐसे बाहर निकल आए, माताएं बहनें सब दर्शन करने के लिए आती तो फिर जब प्रणाम कर तो उनको शुद्ध आता तो शिष्य से कहते थे कि हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती, तुम तो कपड़ा डाल देते शरीर में, ऐसे महापुरुष। तो अब जैसे माई बहन ऐसे आई तो पूछते थे तुम कढ़ी बना लेती हो, जी बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं पाया ले आओ, अब क्या अनुमान लगाओगे आप, तुम्हारे गाय है, हाँ रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाए, अच्छा स्वामी जी अब रबड़ी लाए, अब जैसे ऐसे चखा, हाँ बहुत बढ़िया उठे और चल दिए। स्वाभाविक भगवत स्वरूप यंत्रवत हो रहा है, जैसे इंजन बंद है और ढलान में मोटर चल रही है, बिल्कुल। पर बिना स्थिति के महापुरुषों को नहीं जाना जा सकता, जो स्थित प्रज्ञ है वही स्थिति को पहचानेगा अन्यथा नहीं। अब जैसे विद्यार्थी सोचे कि हम टीचर की योग्यता नाप ले तो कैसे नाप पाएगा, टीचर से ज्यादा पढ़ा जो टीचर है वो बता देगा कि ये इस कोटि का टीचर है। जीवित दृष्टि में देखा तो अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, मूर्तिमान ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहा है, जानते नहीं थे उड़िया बाबा है, बोले ये कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, दृष्टि से देखते अच्युत मुनि, उन्होंने कहा तो ब्रह्मबोध महापुरुष, दौड़ो इनकी चरण रज लो, साक्षात ब्रह्म पधार रहा है। उड़िया बाबा थे, एक लंगोटी लगी इतना बस काषाय वस्त्र, एक लौकी का कमंडल और वो घूर्णित नेत्र ब्रह्मानंद में, देखते ही पहचान गए, दर्शन मात्र से उन्होंने कहा देखो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष आ रहा है, साक्षात ब्रह्म आ रहा है, चलो इनके चरण रज लो दौड़ करके। तो जो हो सकता है कि ऐसा व्यवहार देखे एक अज्ञानी पुरुष जैसा, लेकिन वो वस्तुतः जैसे दर्पण के सामने हम पहुंचते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब होता है, ऐसे हम जिस स्वभाव को लेकर पहुंचते वैसे ही महापुरुषों का व्यवहार दिखाई देता है, वो व्यवहार रहित है, उनमें किंचन मात्र भी कर्ता भाव नहीं होता। अब ये संसारिकता में नहीं समझा जा सकता जब तक अध्यात्म में नहीं होगा। देखो किसी को देख के, किसी को बोल के, किसी को प्यार से, किसी को शासन से, हर विधान होता है उसका मंगल हो जाना,
उसका नाश और संभावी है। अब वो कैसे होगा, उस समय भगवान युक्ति देते हैं, संतों को भगवान युक्ति देते हैं, अंदर बैठकर इसको दुलार करो, इसको डांट लगा दो। तो संसार तो अपने वाक्यों से आज तक किसी भी महापुरुष को चैन, अरे उड़िया बाबा जैसे महापुरुष के ऊपर गड़ासा चला दिया और तुम्हें क्या बताएं, जो किंचन मात्र कहीं भी किसी का अमंगल हित नहीं। एक बार सभा में बैठे थे तो एक आके चाकू नाक में, तो वो तो पार्षद लोग सेवा में थे, तुरंत पकड़ लिया, बाबा ने देखा है तो मार डाला जाएगा, तो गुफा में ले गए, कृष्ण आश्रम में अभी बना हुआ है गुफा, गुफा में नीचे ले गए और कहा भैया ऐसा क्यों किया, तो उनका बाबा मुझे पैसा दिया गया था कि इस बीच सभा में उड़िया बाबा की नाक काट लो जाके। तो बोले शिष्यों से कहा कि तुम्हें हमारी शपथ है अगर इसको एक शब्द भी कटु वचन को, जाओ हाथरस की बस में बैठाल करके आओ। अब आप विचार करो, संसार बख्शता है, और अंतिम जो उनकी लीला हुई आपको पढ़ के देख, किसी भी महाभागवत के चरित्र को पढ़ के देख। तो हमें संसार को नहीं देखना, हमें अपने सिद्धांत को देखना है। अब वो सिद्धांत न जानने वाले त्रिगुणातीत जो महापुरुषों का व्यवहार है, वो त्रिगुण के अंतर्गत व्यवहार देखने वाले कैसे पहचान पाएंगे। की तरह गजराज की तरह होते कि ऐसे लोग बोलते रहे, वो अपनी चाल में चलते रहते, बकाया ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। इस समता को प्राप्त महापुरुष को समबुद्धि से देखा जाए तो ही देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार में विषमता दिखाई देगी, और अगर वो वैष्णव भगवत भक्त तो हम बैठ के पालेंगे। अब कह दे अगर सब जगह भगवान का दर्शन करता था तो ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, तो व्यवहार में विषमता होगी, पक्का विषमता होगी। जैसे उसके सामने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, माता बहनें आएंगी तो जो साधन मार्ग में उसकी दृष्टि रही है वही सिद्धावस्था में भी रहेगी। ऐसा नहीं कि वो गले लगा ले कि हमारे ब्रह्म आए हैं, नहीं देखा भी नहीं। ये दृष्टि त्रिगुणात्मिका है संसार की, लेकिन वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष, उनकी दृष्टि में विषमता ना होते हुए भी व्यवहार में विषमता दिखाई देगी, पक्का। मर्जी स्वामी जी की तीसरी बात से, सामने आए हुए व्यक्ति या समुदाय की भावना के अनुसार उनका व्यवहार। हाँ हाँ, अब ये संसार का स्वरूप नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ तो अपने मार्ग में पुष्ट रहे, और अपने सिद्धांत से जैसे प्रभु चला रहे, अपनी स्थिति से चलता रहे, लोगों की बातों को सुन करके फिर तो स्थिति नहीं होगी कि जैसा लोग